दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है क्योंकि आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 की, जो हमारी भर्ती आने वाली है। इसके बारे में काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर, काफी अखबारों में कटिंगें जो है वो वायरल हो रही है। सभी कटिंगों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी जो वैकेंसी है वो 84,866 आएगी या 75,868 आएगी। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, सभी बच्चों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि भर्ती हमारी 84,000 आएगी या भर्ती हमारी 75,000 आएगी। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। और आप सभी को पता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 24 नवंबर को आने वाला है, यानी कि अब से 2 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की और उनका सपना है एसएससी जीडी में जॉब करने का, उनका सपना है कि हम अपने माँ बाप को वर्दी में दिखे और हमारा जो शौक है वो वर्दी का पूरा हो जाए, तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी है क्योंकि 2 दिन बाद आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हालांकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपका एग्जाम कब होगा और सबसे ज्यादा पोस्ट किस विभाग के अंतर्गत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी कटिंग वायरल हो रही है ये है वाली, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगले सप्ताह आएगी CAPF सिपाही की भर्ती, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको इसको बता देता हूँ ये कब किया है। देखिए, जो ये अखबार की कटिंग है दोस्तों, ये हमारी पिछले सप्ताह की कटिंग है। पिछले सप्ताह कहा गया था कि अगले हफ्ते आपके एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है। तो जो ये कटिंग है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये कटिंग है ये आपके रियल है, ठीक है। इसमें कोई फेक नहीं है, ये आपके रियल कटिंग है, पिछले हफ्ते की अखबार की ये कटिंग है, ठीक है। हालांकि इसमें वैकेंसी के बारे में कोई जिक्र नहीं था कि आपकी कितनी वैकेंसी आने वाली है और किस विभाग में क्या है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं थी। बस इसमें बताया गया था कि आपकी अगले हफ्ते एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। जो दूसरी जो हमारी कटिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। देखिए, ये जो कटिंग है, सबसे पहले तो मैंने इसको देखा और देखने के बाद इसका जो मैंने इस पर रिसर्च करी है, सबसे पहले तो मैंने यही देखा कि इसको पता किया जाए कि ये रियल है या फेक, ठीक है। तभी मुझे वीडियो बनाने में इतना टाइम लगा है क्योंकि मैं इसके ऊपर पूरी छानबीन करके आया हूँ, ठीक है। जो आपकी ये कटिंग है ये अखबार की है और आप सभी ने इसको एक दो बार देख भी लिया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 84,866 पदों पर होगी भर्ती, ठीक है, और 24 से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। ये बात तो हमें पता है कि 24 नवंबर से हमारे फॉर्म आने वाले हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा ये नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि आपका 84,866 पद हमारे एसएससी जीडी में क्या सच में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में सिपाही के 29,283 पदों पर की जाएगी भर्ती, यानी कि सबसे ज्यादा जो पद बताए गए हैं वो हमारे सीआरपीएफ में बताए गए हैं। तो जो बच्चे सीआरपीएफ के लवर हैं, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं कि चाहते हैं कि हमें सीआरपीएफ मिले, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, आपके लिए 29,283 पद हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं देखिए इसके बारे में कि क्या सच में 84,866 पद आएंगे। हालांकि इसमें बताया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें बताया गया है 84,866 पदों पर एसएससी जीडी की भर्ती 2023 की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। हालांकि ये भर्ती 2023 में आएगी, लेकिन इसका एसएससी में कैलेंडर में जो नाम दिया गया है वो 2024 दिया गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, 2024 इसका एसएससी के कैलेंडर में नाम दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या सच में इतने पद आएंगे। देखिए, आप एक बात सुनिए, आपने जो आपका एसएससी का कैलेंडर देखा होगा 2024 वाला, ठीक है, तो उसमें इन वैकेंसियों का जिक्र तो है, लेकिन अगली जो हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो कब है वो बताई गई है इसमें, 27 अगस्त, 27 अगस्त 2024, ठीक है। 27 अगस्त 2024 को हमारी नेक्स्ट एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। और आप सभी को ये बात भी पता होगा कि जो बोर्ड ने अध्याचन भेजा था कि एसएससी जीडी में जो हमारे पद है, कुल 90,000 के आसपास हमारे पद हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, अगर 90,000 पद अभी आ जाए, ठीक है, 90,000 नहीं, सॉरी, अगर 84,466 पद आ जाते हैं, लगभग 85,000 पद अभी आ जाते हैं, तो एसएससी जीडी में केवल 5,000 बचेंगे, ठीक है। एसएससी जीडी में केवल 5,000 पद बचेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपकी 84,000 वैकेंसी नहीं आएगी, इस बात की जो मैं आपको बता देता हूँ, ये इस बात गलत है। आपकी केवल जो
वैकेंसी है वो 90,000 है, और 90,000 में से अगर 85,000 अभी आ गई तो अगले साल ये क्या देंगे, इस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम आपकी कितनी वैकेंसी आने वाली है। अगर 84,866 वैकेंसी नहीं आएगी तो कितनी वैकेंसी आएगी? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें लगभग आपको 40,000, ठीक है, 40,000 के समथिंग आपको इसमें वैकेंसी कम से कम देखने को मिलेगी। ठीक है, 40,000 इसे लगाकर 35,000 आपकी वैकेंसी इसमें आने वाली है, तो जो कि काफी अच्छी पदों की संख्या है। अगर आप थोड़ी सी भी इसमें अच्छी तैयारी कर लेंगे तो इसमें आप वर्दी लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दो बात हो गई आपकी वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी कितनी आएगी? 40,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी आएगी। आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपकी 84,000 वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं 75,000 का क्या मैटर है। देखिए, जो 75,000 वाला लोचा है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये नोटिस है, ये वाला नोटिस आप सभी ने देख लिया होगा। हालांकि मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मुझे कुछ थोड़ा सा मतलब जरूरी काम था, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया था। हालांकि सभी अध्यापकों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी नोटिफिकेशन के, और आप सभी को पता भी चल गया होगा कि ये नोटिफिकेशन क्या था, ये वाला नोटिफिकेशन फेक था। ठीक है, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि आपकी 75,768 पदों पर भर्ती होगी, जबकि ये सभी को पता है कि ये फेक था। तो 75,000 आपकी 768 वैकेंसी नहीं आएगी, आपकी लगभग 40,000 के समथिंग आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी मान के चलिए, जिसको आप अपने माइंड में रखिए और इसको टारगेट मानकर अपनी तैयारी करिए। ठीक है, इसमें काफी त्रुटियां थी जिसके कारण इसका पता चल गया था कि ये फेक था। ठीक है, अब जो है आपको 40,000 पदों को टारगेट करके भर्ती को जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और जितने भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक मैं खबरें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर से सभी को जय हिंद, पढ़ते